अटैक ही नहीं कर सकता। गाली इतनी गंदी गंदी दी है, मैं परिवार को कोई भीख मांग के नहीं खिला सकता। आज के टाइम पे कोई किसी का नहीं है। औरों की भी आंखें खुले कि वे भी मेहनत करें। दुनिया भर में विकलांगों को बड़ी गहरी नजर से देखा जाता है। विकलांग होना कोई अभिशाप नहीं है। इस शब्द को और इस श्राप को असफल करने वाले और इसको नकारते होने वाले एक व्यक्ति हमें मिले हैं। व्यक्ति से हम आपको मिलाते हैं। पहले इनके बारे में आपको बता दूं, इनका नाम इरशाद है और ये यूपी के एक छोटे से गांव से परिवार के साथ चंडीगढ़ आए थे कुछ साल पहले और आज अपने उसी परिवार का पेट पालने के लिए टांगे ना होने के बावजूद ये फल बेच के अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। आइए इरशाद के पास ले चलते हैं। इरशाद, क्या कहना है आपका, किस तरह से ये विकलांग होने के बावजूद मेहनत कर रहे हैं और एक तरफ आप हैं और एक तरफ वो लोग जो अभी अगली लाइटों पर देखें तो वहाँ पर भीख मांगते हुए पाए जाएंगे। सर, मैं चाहता हूँ अपने परिवार को कोई भीख मांग के नहीं खुला सकता। मैं चाहता हूँ सिर्फ मेहनत करके ही अपने परिवार का पेट पालूँ ताकि उन्हें भी याद रहे कि मेरा भाई या मेरा बेटा ऐसा होने के बाद भी हमारा पेट पाल रहा है। उनके दिमाग में भी ये होना चाहिए कि हम भी कुछ करें, उसका भी नाम रोशन करें। तो सर, मैं इस करके चंडीगढ़ में ही काम कर रहा हूँ, सेक्टर 26 में। कितने साल हो गए तो मेरे को हो गए 10-11 साल हो गए हैं यहाँ पे आए हुए। तो बस मैं ये मेहनत करके खाना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखी है सर, मैं मेहनत करने की बहुत कोशिश करता हूँ और मैं ये भी समझता हूँ कि कोई मेरा हौसला बढ़ाए या मेरे को कोई परेशान ना करे, बल्कि मैं भी लोगों के साथ मिलकर चलूँ और वे भी मेरे साथ मिलकर चले। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा सर। मेरे को पुलिस वालों ने भी इतना परेशान करते हैं, लेकिन क्या बताएं, नगर निगम वाले, स्टेट ऑफिस वाले सर, ये भी बहुत परेशान करते हैं। यहाँ तक मेरे को तो गालियाँ भी दे चुकी है, ताकि ये एक चीज़ करना नहीं चाहिए। मैं अगर हैंडीकैप हूँ तो इसमें मेरी कोई गलतियाँ नहीं है सर। क्या पता पिछले कर्म का कोई फल हो जो मुझे ये करना पड़ रहा है इस साल, इस जन्म में। तो सर, मैं चाहता हूँ मैं मेहनत करके खाऊं, मुझे ना परेशान करा जाए, लेकिन फिर भी ये करते ही है सर। तो मैंने उनसे ये भी कहा कि सर बोलो तो मैं करूँ तो करूँ क्या। उन्होंने सीधा गाली इतनी गंदी गंदी दी है जो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, शायद आप समझ भी गए होंगे। तो उन्होंने कहा कि जो मर्जी कर, हमें कोई मतलब नहीं है, तुझे यहाँ लगाना नहीं है। तो सर बताइए, मैं करूँ तो करूँ क्या सर। उसके बावजूद आप यहाँ पे अपना काम धंधा कर रहे हैं, तो एक तरफ आदमी वैसे ही टूटा होता है अपाहिज होने के बाद, दूसरी तरफ अधिकारी प्रशासन इनकी तरफ से जो इनकी सख्ताई होती है, इनकी सख्ताई के देख के वैसे वो भी टूट जाता है। तो दोनों तरफ से टूटे जाने के बावजूद आज भी काम कर रहे हो, इसके पीछे का कारण? सर, इसका कारण सिर्फ मैं मेहनत करके खाना चाहता हूँ, तो मैं अपना परिवार का पेट पालना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे इस टाइम पे पापा तो है नहीं है। और आज के टाइम पे आप लोगों को भी पता होगा शायद कि आज के टाइम पे कोई किसी का नहीं है। तो मेरे पे 4 पैसा रहेगा तो सर मैं लोगों के साथ जुड़ा हुआ रहूँगा सर। भीख मांगूँगा रोडों पे तो उन लोगों को क्या अच्छा लगेगा सर। मैं मेहनत कर रहा हूँ, कोई चोरी तो कर नहीं रहा या किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा सर। मैं नहीं चाहता मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊँ, मैं बल्कि मैं ऐसा होके भी काम करना इस करने चाहता हूँ कि
औरों की भी आंखें खुले कि वे भी मेहनत करें, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए सर। अगर ऊपर वाले ने हमें ऐसा बनाया है तो इसका भी रास्ता खुला हुआ है। ऊपर वाले ने हमें ऐसा तो बनाता तो है ज़रूर, लेकिन हमारे अंदर दिमाग डालता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। सर मैं चंडीगढ़ में जब आया तो मेरा दिल खुश हो गया कि मैं बड़े शहर में आया हूँ, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने लोगों को देखा, घूमता था चंडीगढ़ में। जब चंडीगढ़ में जब आए थे तो क्या सुना था यहाँ शहर के बारे में? सर शहर के बारे में ये सुना था, इंसान यहाँ पे भूखा नहीं रह सकता, भूखा नहीं मर सकता, हर शहरों से अच्छा माना जाता है इसको सर। तो इस करके मैं अभी सोचा कि चलो ये शहर तो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे जो रेडिया लगाते हैं इनको देखता था रोज़, तो रोज़ इनको देखता था, मेरे दिमाग में भी आया जब ये काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ये अपना घर चला सकते हैं तो मैं क्यों नहीं चला सकता। तो सर इस करके मैंने एक टूटी फूटी रेडी ली थी, उस पर ही लगाना शुरू किया था मैंने सर। लेकिन यहाँ तो मुझे बहुत परेशान कर रहा था सर, बहुत ज़्यादा, कि मैं बता नहीं सकता। नगर निगम वाले जो हैं ये भी मेरा फीलिंग नहीं समझ सकते कि मेरी रेडिया उठा के ले गए थे। आप यकीन नहीं मानोगे, किसी से उधार पैसे लेके मैंने एक रेडी बनाई थी तो वो भी उठा के ले गए थे। मैं छुड़ाने गया तो नहीं छुड़ी थी सर, मेरे को धक्के निकाल के बाहर करा गया था सर। और जो पुलिस वालों से कहता था वो तो कहता है ये तो हमारी ड्यूटी है, तो ड्यूटी है मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे जैसे से क्या ड्यूटी करेगा सर। मेरी तो फीलिंग बढ़ानी चाहिए ना, मेरा हौसला बढ़ाना चाहिए, लेकिन इन्होंने आज तक ऐसा करा नहीं है सर। सुविधाएं भी चंडीगढ़ की ओर से दी जाती है, नगर निगम आए बीते दिन भी पासिस वगैरह और ऐसे वो लाइसेंस वो करते हैं कि अलाउ करते हैं रेडी फड़ी वालों के लिए, तो ऐसा कुछ बनवाने की कोशिश नहीं की आपने कभी? सर रेडी वो लाइसेंस बनवाने की कोशिश तो की थी, एक दिन गया था मैं तो वहाँ पे कह दिया तेरे को लाइसेंस की क्या ज़रूरत है, तेरे पे तो व्हील चेयर है, तेरा तो लाइसेंस यही है। मैं मान गया उनकी बात, चलो इनकी बात भी ठीक हो सकती है, लेकिन यहाँ जब लगाता हूँ तो वही लोग आके ठीक मेरी रेडिया उठाते हैं। और मैंने कहा बाबूजी आपने तो ऐसे बोला था, तो उन्होंने उल्टा सीधा बोल के फिर भी मेरी रेडियो उठाते हैं सर। अच्छा, तो सर मैं चाहता हूँ, मेरी इतनी विनती है कि मेरे को ना परेशान करा जाए, मेरे को काम करने दिया जाए सर, क्योंकि मैं किसी के आगे भीख नहीं मांग सकता। एक एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये रेडी लगाते हैं तो परिवार में पूरा परिवार हेल्प करता है और या फिर कहीं से बाहर से किसी को हायर करते हैं या? नहीं सर, परिवार में से कोई नहीं आता, क्योंकि अभी छोटे छोटे भाई है मेरे, मेरा एक बड़ा भाई है वो भी काम करता है, ऐसी कोई बात नहीं, वो अकेला घर नहीं चला पाता, तो इस करके मैंने भी सोचा मैं भी इनका हाथ बटाया जाऊं। तो यहाँ पे मैंने एक बंदे को रख रखा है, मगर भाई जो बचेगा थोड़ा सा मुझे दे दियो, थोड़ा तुम रख लेना। वो तो बेचारा मान गया, मेरे साथ ही काम करता है सर। तो दिन भर में कितना कमा लेते हैं? दिन भर में सर मैं 350-350 तक कमा लेता हूँ, जिसमें से आधा वे चले जाते हैं, मतलब कि 150-150 रुपये 200-200 आ ही जाते हैं सर, उसमें ही मेरे घर का खर्चा चलता है सर। चंडीगढ़ में ऐसे भी लोग हैं जो सड़कों पर भीख मांग रहे हैं आज के दौर में, कई नकली प्लास्टर लगाए दिखाई देते हैं, कई नकली चोटों का वो बहाना करे पट्टी बांधे हुए दिखाई देते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसे लोगों से तो यही कहना चाहिए कि ये जो कर रहे हैं, जो भीख मांग रहे हैं, ये सरासर गलत है। ये भीख मांग रहे हैं जो, ये बहुत ज़्यादा ही गलत है। इनको भी मुझे देख देख के इनको हौसला आना चाहिए कि कुछ काम करा जाए, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए। अगर इन्हें इतना ही शौक हो रहा है तो ये गुब्बारे वुब्बारे जो चीज़ होती है वगैरह वगैरह वो रोड पे खड़े हो जाए लेके, ये भी तो बिकेगी सर। जितने आप उसमें भीख मांग के अपना परिवार चला रहे हो, इससे अच्छा इज्जत की रोटी खानी चाहिए मेहनत करके सर। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो गुजारिश है इतनी कि मुझे ना परेशान करा जाए और मेरा हौसला वर की बढ़ाए, ताकि मुझे देख के औरों के भी अंदर हिम्मत आनी चाहिए। तो मैं यही चाहता हूँ, जो मेरे कस्टमर हैं वो तो मेरे को हौसला दे के जाते ही है, वे तो बहुत कहते हैं, लेकिन वे भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि सरकार के सामने कहाँ कौन बोलता है सर। सबसे बड़ी तो एकता होती है जो यहाँ पे है नहीं है सर। जिस तरह से इरशाद खान
चंडीगढ़ में रहकर यहाँ के लोगों के लिए, एक तरह से उन लोगों के लिए जो किसी न किसी बहाने से या डिसेबल होने की वजह से हार मान जाते हैं और अपने परिवार का पेट ना पाल पाने की वजह से सड़कों पर भीख मांगते दिखाई देते हैं, लाचार होने का बहाना जो है वो एक मिल जाता है व्यक्ति को, उसके बाद व्यक्ति अलग अलग रास्ते अपनाने शुरू कर देता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए जो मिसाल कायम करते हुए जो सामने बैठे इरशाद खान हैं, वो यहाँ पर मिसाल कायम कर रहे हैं कि लोगों को हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा जीवन भर मेहनत करती रहनी चाहिए, चाहे कितनी भी लाख मुसीबतें आए उसके बावजूद हर मुसीबत का सामना डट के करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके शरीर में हर अंग पूरा हो, आपका मस्तिष्क सिर्फ आपका साथ दे, आपकी हिम्मत बस आपका साथ दे, वही काफ़ी होता है कि आप लोगों के साथ खड़े हो पाएँ और अपने परिवार का पेट पालने के साथ एक अच्छा समाज का निर्माण जो है वो आपकी ओर से कर सके। वही चीज़ जो है इरशाद खान बिल्कुल करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक चौहान के साथ राहुल तिवारी।